चीन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के मुबैन अस्करी ताल्लुकात और दिफाई तआवुन को मजीद फरोग दिया जाएगा। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात स्ट्रेटजिक एतमाद का मजर हैं। चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान कर्नल रैन कयांग ने जुम्मा को प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अस्करी ताल्लुकात और दिफाई तआवुन को बढ़ाएगा। चीन पाकिस्तान मिलिट्री ताल्लुकात आला सतह दिफाई और सिक्योरिटी तआवुन पर मुश्तमिल होगा। हालिया जुहाई एयर शो में पाकिस्तानी फौज ने आला सलाहियतों का लोहा मनवाया। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात स्ट्रेटजिक एतमाद का मजर हैं। चीन का पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और दिफाई तआवुन मजबूत अमल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि रवां हफ्ते बलारी एयरबेस पर शुरू होने वाली सातवीं शाहीन ज्वाइंट एयरफोर्स मशकों में चीन भरपूर तरीके से शमूलियत इख्तियार करेगा। चीन इन मशकों में लड़ाका त्यारे बम्बार और वार्निंग एयरक्राफ्ट भेजेगा। ये मशकें दोनों ममालिक के सालाना प्लान का हिस्सा हैं। ये मशकें दो तरफा अस्करी तआवुन और कॉम्बैट सलाहियतों के तआवुन की आला मिसाल हैं। तर्जुमान ने कहा है कि प्लान के मुताबिक हम आला सतही ट्रेनिंग किया करेंगे। दो तरफा अस्करी ट्रेनिंग को आलमी मेयार के मुताबिक ले जाने के लिए मजीद इकदामात करेंगे। दो तरफा कार्प अपनी अपनी सलाहियतों के आला मेयार के मुताबिक काम करेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग के हवाले से 2018 में 6 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा है कि चीनी अफवाज चीनी सदर शी जिनपिंग के इन कॉल पर अमले पैरा है। बेहतरीन सलाहियतों के साथ आलमी सतह की बेहतरीन और मजबूत फौज बनाई जाएगी। चीन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के मबैन अस्करी ताल्लुकात और दिफाई तआवुन को मजीद फरोग दिया जाएगा और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात स्ट्रेटजिक एतमाद का मजर हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।